शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने मेल अच्छी तरह से पढ़ ली है। इस डील में आप अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। हाँ, सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है ना इसमें। मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, कल ऑफिस में आऊंगा ना तो दिखाऊंगा मैं। राइट राइट राइट, सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इसमें। यस, तुम देखो ना। मैं, अरे रुको ना, अरे सॉरी तुम्हें नहीं। हाँ तो कल मीटिंग देता हूँ ना मैं प्रेजेंटेशन। एक काम करते हैं, बाकी डिस्कशन कल ऑफिस में करते हैं। बाय। अब बता क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। यार खूबसूरत है। अच्छा, वैसे मैडम खूबसूरत तो आप भी है। सच? मुझ श्वेता, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे तो इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। बस इतनी सी बात पे तुमने अपना ये हसीन सा चेहरा उतार रखा है। ये लो, जितने पैसे चाहिए हो निकाल लेना, लेकिन आगे से मुझे इस चेहरे पे सिर्फ स्माइल चाहिए। कम ऑन, स्माइल लाओ। ये ले। थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू टू। हेलो, हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ लेकिन तुम कॉल मत करना, ऋषभ घर पर ही है। हाँ हाँ जल्दी आती हूँ। हाँ श्वेता, टिफिन रेडी है? हाँ हाँ लाती हूँ टिफिन। जल्दी लेकर आओ, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। चलो शाम को मिलता हूँ। लव यू। लव यू टू। बाय बाय। माँ कैसे? हम बेटा वो ठीक नहीं है, बस तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। सॉरी माँ, आने में थोड़ी देर हो गई है। चल बेटा। पापा। हाँ बेटा। पापा कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है इलाज होगा तो ठीक हो जाओगे। पापा मुझे मालूम है, अब पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं ना। अब चिंता बिल्कुल मत करिए। लेकिन बेटा वो दामाद जी। माँ आप ऋषभ की चिंता मत करिए, आप बस पापा का इलाज करवाइए। पलक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? पूछ मत बेटा, दिन भर अपने रूम में रहती है। अच्छा मैं उसे मिलकर आती हूँ।
कितना डिस्टरबेंस है, पूरा रील खराब कर दिया। ओ गॉड, तुम पलक, तू अंदर रूम में लॉक करके क्या कर रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है मुझे, तो हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ती है ना। घर में पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और तू ये सब कपड़े पहन के क्या कर रही है? कम से कम माँ की मदद ही कर दिया कर। माँ को मेरी मदद की ना कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुम्हें माँ की इतनी चिंता है ना, तो घर में काम वाली रख लो ना, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तुम्हारी तरह नहीं, किसी अमीर आदमी से शादी करके बस जिंदगी भर उसकी गुलामी करते रहो। क्या बकवास कर रही है? कोई बकवास नहीं कर रही, यही सच्चाई है। क्या फायदा है इस शादी का, अपने घर में चोरों की तरह आना पड़ता है। देख, तू अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें मत कर, तेरी बड़ी बहन हूं मैं। देखो, मुझे भी रील्स बनाना है, मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ यहां से, जरा मूड खराब कर ले। अरे श्वेता, कहां रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। मैं वो, अरे क्या हुआ बोलो। आप नाराज तो नहीं होंगे ना, मैं घर गई थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कितनी बार मैंने मना करा है, तुम वहां नहीं जाओगी? क्या जरूरत थी अपने पापा से मिलने की? तुम जानती हो ना कितनी नफरत करता हूँ मैं उस आदमी से। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं गई थी। यही डिजर्व करता है वो आदमी। आप ये क्या बोल रहे हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, आखिरकार वो मेरे पापा है। जानता हूँ तुम्हारे पापा है, लेकिन तुम भी ये जानती हो कि उस आदमी ने मेरी कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड किया था। वो तो टाइम रहते पकड़ लिया मैंने, वरना वो तो हमें सड़क पे ही ले आते। प्लीज पुरानी बातें अब जाने दो। देखो, ना तो मैं वो बात भूल सकता हूँ, ना ही उन्हें माफ कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो उनके पास। तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. रहने दो, मेरा बात करने का मन नहीं है। अच्छा बताओ क्या करूं, कान पकड़ के सॉरी बोलूं? तुम जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। अगर प्यार करते तो मेरे पे चिल्लाते नहीं। बाबा सॉरी बोल रहा हूं ना मैं, प्लीज स्माइल कर दो। हमारे चेहरे पे सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है। चलो हंस दो। हेलो माँ, प्रणाम। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पापा। अरे यार फिर से पापा, क्या हो गया तुम्हें? वो नहीं रहे। श्वेता चुप हो जाओ, हिम्मत रखो। हाँ
नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। हाय जीजू। हेलो भला, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप लोग बातें करिए, मैं आता हूँ। अभी तुम माँ को लेकर अंदर जाओ, आराम कर लो। माँ थक गई होगी ना? हाँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे पूछे बिना पलक और माँ को ले आई। ये लोग कितने दिन के लिए रहेंगे यहाँ पर? हमेशा। आई मीन, इन दोनों का मेरे सिवा और कौन है, तो मैंने सोचा इन्हें अपने साथ ही रख लो। कैसी बातें कर रही हो तुम श्वेता, ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज मान जाओ ना, माँ की अब उतनी उम्र नहीं है कि वो अकेले घर का बाहर संभाल सके। प्लीज मेरी खातिर मान जाओ ना। ठीक है। यू सो मच। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, देखो ना कितना सारा काम बाकी है। अरे काम तो इतना सारा बाकी है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दो? तो अभी छोड़ने का क्या लोगे? एक प्रॉमिस। कैसा प्रॉमिस? कि अब तुम मुझे छोटा सा बच्चा दोगी। बच्चा? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम नहीं चाहती कि अब हमारी लाइफ में कोई आए जो तुम्हें प्यार से मम्मी बोले, मुझे पापा बोले? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दो, हमारा बच्चा। हटिए ना, आप भी ना, रात होते ही शुरू हो जाते हैं। टॉवल तो भारी रह गया। श्वेता मेरा टॉवल देना जरा। सुनो ना, क्यों ना सुबह सुबह थोड़ा सा रोमांस किया जाए। अरे पलक, तुम? वो तो मैं बस आपसे मिलने आई थी और आप ही के सीधा हाथ पकड़ के अंदर खींचने लग गए। सो सॉरी, मुझे लगा श्वेता है इसीलिए। कोई नहीं, ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ अब। वैसे नाइस बॉडी। थैंक यू। Looking so gorgeous. हर बार डिस्टर्ब कर देती है, रील्स बना रही थी। ज्वेलरी कैसे पूछ के पहनी तूने? बस ज्वेलरी तो पहनी हूँ, कौन सा ज्वेलरी रह गया? आपका भागने वाली हूँ मैं, बस वीडियो ही बना रही थी मैं। जुबान संभाल के बात कर, समझी? बात करने की तमीज ही नहीं है इसको। देखो मुझे भी कोई बात नहीं बढ़ानी है, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों लेकर आई अपने घर? छोड़ देते ना हमें जिस भी हालत में थे हम। उससे तो बात ही करना बेकार है। कहीं आप मुझसे जलती तो नहीं है? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, कहीं इस चीज का तो आपको जलन नहीं है ना? क्योंकि आप तो अपने अमीर पति की दिन रात सिर्फ गुलामी करते बैठते हो ना। जुबान संभाल के बात कर, समझी? और चल मेरे रूम से बाहर निकल। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी कोई शौक नहीं है मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का।
रखो अपना ज्वेलरी। माँ ये कंगन लो, आपके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये तो सोने के कंगन है, दामाद जी क्या कहेंगे? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद तुम माँ को ये पुराने घिसे पीटे कंगन दे रही हो? कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। अरे माँ आपको नहीं पता आपके बेटे के पास ना बहुत सारे गहने हैं, पता नहीं आपको ये पुराने कंगन देखकर लगता आपके ऊपर एहसान कर रही है। चुप कर, तू इसकी बात की बुरा मत मानना, तुझे तो पता है ना ये मुंहफट है। मैं जानती हूँ माँ, और आजकल कुछ ज्यादा ही मुंहफट हो रही है। जीजू मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये देखो मेरी फोटो कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है। देखो ना जीजू। हाँ हाँ देख तो रहा हूँ। अरे ये देखिए मेरी फोटो कैसी लग रही है? अरे वाह बहुत अच्छी है। आपको मैं अपनी सबसे अच्छी वाली फोटो दिखाती हूँ, फिर आप तारीफ करते नहीं रुकोगे। अरे वाह बहुत अच्छी फोटो है ये तो। थैंक यू। आज लंच में क्या बनाऊं? जो तुम्हारा मन हो बना लो। जीजू आज खाना मैं बनाऊं? वैसे भी आप दीदी के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गए होंगे ना, आज खाना मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब पर आज एक दिन मैं बनाती हूँ ना खाना प्लीज। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो आज खाना तुम बनाओ। श्वेता आज हम सब पलक के हाथ का खाना खाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं किचन जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ओके। जीजू चलिए खाना रेडी है। अरे अपनी दीदी को तो बुलाओ। हाँ वो बाद में खा लेंगे, अब चलिए तो बैठिए। अच्छा दिखाओ क्या बना है। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। अब जल्दी से बताइए टेस्ट करके कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू। रुकिए मैं अपने हाथों से आपको खिलाती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे कैसे साली मिली आपको। ओके क्या चल रहा है ये सब? अरे क्या हुआ तुम इतना भड़क क्यों रही हो? और ये आपको अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही है? क्या हुआ दीदी आप इतना क्यों भड़क रही है? इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ खाना ही तो खिलाया, आपको आपके पति पे भरोसा नहीं है क्या? या फिर आपको ये लग रहा होगा कहीं आपके पति अपने खूबसूरत साली के ऊपर फिसल ना जाए। अरे पलक क्या बोल रही हो तुम? और श्वेता तुम बेवजह इतना गुस्सा मत करो यार। पलक तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है, देख तू अपनी लिमिट में रह, समझी? मैं अपने लिमिट में ही हूँ, आपको मेरी लिमिट बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है? अच्छा 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 ओके, तुम दोनों लड़ो मत यार। क्या तुम रही? एक काम करती हूँ मैं यहाँ से चली जाती हूँ। श्वेता तुम भी। अच्छा सुनो 5 मिनट माँ के पास होकर आती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ हाँ मैंने देख लिया प्रेजेंटेशन, सो सब कुछ सही है, थोड़े से पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं। हाँ ठीक है मैं करेक्शन करके भेजता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लग रही प्रेजेंटेशन और सारा का। अच्छा मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। क्या बात है बहुत जल्दी वापस आ गई तुम, लगता है मेरे बगैर तुमसे रहा।
मायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ जीजू, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? कैसी बातें कर रही हो, जाओ यहाँ से। जीजू, दीदी से ज्यादा सुंदर मैं हूँ और जवान भी हूँ, बस आप अपने आंखों से पट्टी तो हटा कर देखिए। पायल, इतनी बेहुदा बातें मेरे सामने मत करा करो, जाओ यहाँ से, इससे पहले दीदी तुम्हारी यहाँ पर आए और तमाशा करे, जाओ। अच्छा सॉरी। अरे क्या हुआ, तुम आ गए? हाँ एक्चुअली माँ सो गई थी इसलिए वापस आ। वैसे एक बात बताऊं, तुम जब भी यहाँ नहीं होती हो ना, बहुत बेचैन हो जाता हूँ मैं। अच्छा कैसे वाले बेचैन हो जाते हो? ये देखो, मेरे दिल की धड़कने बढ़ जाती है और जी करता है कि तुम्हें सीने से लगा लूं। चलिए, आप तो रात होते ही शुरू हो जाते हैं। क्या करूं, तुम हो इतनी खूबसूरत, अलग होने का मन ही नहीं करता। कर ले जितना प्यार करना है, मगर मैं तुझसे ये सब कुछ छीन कर रहूंगी, तेरा घर, पैसा और पति सब छीन कर रहूंगी, देख लेना। वैसे तू यहां कर क्या रही थी और इतनी रात को अपने बहन के कमरे में ऐसे क्यों जाग रही थी? नहीं माँ, बस मैं वो किचन में मैं पानी लेने जा रही थी तो बस ध्यान चला गया यहाँ। मुझे पता है तू यहाँ कब से खड़ी है, वैसे तू देख क्या रही थी? मैं ये देख रही थी कि वो कितनी खुश है, पर उसकी खुशी में ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दूँ, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूँगी, घर, दौलत, पति, सब कुछ। तू किसका पति छीनने की बात कर रही है? तुझे पता भी है वो तेरी बहन नहीं, तेरी माँ है। क्या? तो वो तेरा जीजा नहीं, सौतेला बाप है। क्या? देख बेटा, मुझे पता है कि तेरे लिए ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा यही सच्चाई है, श्वेता तेरी असली माँ है। माँ ये क्या बोल रही है आप, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना, तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बेटा ये मजाक नहीं है, ये सच है। श्वेता तब कॉलेज में थी, उसे एक लड़के से प्यार हो गया, उसका नाम प्रशांत था, और शादी के 3 महीने बाद ही प्रशांत के एक्सीडेंट में मौत हो गई और श्वेता के पेट में प्रशांत की निशानी थी, वो तू थी बेटा। और उस समय हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि एक बिन ब्याही माँ को हम घर पे रख सके, इसीलिए श्वेता की शादी कर दी और तुझे पाल पोस के बड़ा किया। इतना बड़ा धोखा उसने मेरे साथ सही नहीं किया, इतनी बड़ी बात मुझसे आज से छुपा के रखी। बेटा श्वेता कभी नहीं चाहती थी कि तुझे ये बात पता चले, लेकिन आज मुझे मजबूरी में तुझे ये बात बतानी पड़ी कि श्वेता ही तेरी असली माँ है। मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी, इसका बदला मैं उसे लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब भी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हो? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, तू जा यहाँ से। पर तुम अब क्यों पिल्स खाती हो, हमारे पास सब कुछ है ना, फिर बच्चा पैदा होने से क्यों डर रही हो तुम? एक ऐसी माँ
जिसे मुझे माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? बस मुझे पैदा करके मुझे छोड़ दिया और किसी आदमी से शादी कर ली, अपना नाम तक नहीं दिया मुझे। देख बेटा, अभी तू नहीं समझ रही है, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। हालात तो बस एक बहाना था माँ, बस एक मौका चाहिए था तुम्हें दूसरी शादी करके खुश रहने का, और जिससे तुमने प्यार किया उसकी निशानी को ऐसे ही छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसी चीजें करते हुए? मुझे माफ कर दे। माफी? तुम माफी के लायक नहीं हो। अरे तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। बेटा मैं तेरे अलावा किसी और को पैदा ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ही बेटी रहे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बस करो अपना ड्रामा, मुझे सब पता है तुम एक नंबर के मक्कार और झूठी औरत हो। अच्छा हुआ मेरे असली पापा मर गए, वरना तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाते। देख पलक, अभी तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोले जा रही है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। रही है मेरे बच्चा, क्या हुआ? माँ, तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हें ही अपनी माँ बोलूंगी। हाँ बेटी, तू मुझे ही माँ बोल, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? माँ, उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कुछ चैन की जिंदगी जी रही है। लेकिन अब नहीं, उससे मुझे मेरा हक देना पड़ेगा। किस हक की बात कर रही है तू? माँ, हमने गरीबी में बहुत जी लिया, पर अब नहीं, अब मुझे मेरा हक चाहिए और उसके बाद हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। श्वेता को अपनी बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जीजू, आप अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? I'm so sorry for everything. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, कुछ काम था? हाँ, आप मेरे साथ एक रील वीडियो बनाओ ना, आप भी फेमस हो जाओगे। रील? मुझे ये सब बनाना आता नहीं है, so... कुछ नहीं करना है, बस मैं एक गाना प्ले करूंगी और उस पे आपको बस मेरे पास आना और मुझे हग करना है, और कुछ नहीं। बस? बस। चलो, let's try. Okay. ये सब क्या चल रहा है? पलक, मैंने तुझसे कहा था ना, तू अपने हक में रह। अरे श्वेता, हम लोग बस एक रील बना रहे थे ताकि वो फेमस हो सके। आप ऐसे ऐसे फेमस करेंगे? आप तो ऑफिस का काम कर रहे थे ना। दीदी, आप इतना क्यों भड़क रही है? बस एक रील वीडियो ही तो बना रही थी, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? अब क्यों चलती है मुझसे इतना? मैं तेरे से नहीं चलती हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तू इन्हें डिस्टर्ब मत किया कर। जीजू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? देखो, मैं तुम दोनों के बीच में ना नहीं बोलूंगा आपसे, तुम आपस में निपटो, मैं जा रहा हूँ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, वही सब जो तुम्हारे पास है, या तो तुम मुझे खुद दे दो या तो मैं खुद छीन लूंगी। तेरा दिमाग ठीक है भी या नहीं? मेरा दिमाग ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। तुम मेरी माँ हो ना, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए, या तो तुम मुझे खुद दे दो, नहीं तो अपने पति से मांग के दे दो। पूरा बचपन मेरा खराब हो गया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जवानी भी खराब हो, इसलिए मुझे पूरे पैसे चाहिए किसी भी हाल में। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल माँ तुझे समझाएगी। चल। अरे माँ, अब आप इसको समझाओ, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब इसने क्या कर दिया? किसी से पूछो ना क्या बोल रही है। मुझे मेरा हक चाहिए, बचपन से आज तक तुमने मेरा कोई अधिकार मुझे नहीं दिया, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। देख रही हो माँ, आपको इसको सच तो बताना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें गलत क्या है?
तू इसकी सगी माँ है, तू अपने पति से कुछ हिस्सा लेके इसको दे देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माँ तुम क्या कह रही हो, आप तो जानती है ना ऋषभ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी सोच कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। इस बार मैं पलक की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी, जल्दी से जल्दी मेरा हिस्सा दिलवा देना वरना तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी मेरे बारे में, फिर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। पलक, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो तुम? नहीं कुछ नहीं। खाना तो खाओ। अरे दामाद जी, आप इसकी चिंता मत करिए, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, आप खाना खा के जल्दी से कमरे में आ जाना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है। हाय हाय। माँ और पलक कहाँ पर है, आए नहीं अभी तक? पता नहीं। जाओ बुला के ला। अरे वो पलक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है, एक काम करो ना, आप ही बुला के ले आओ ना अगर वो उठ गए हैं तो। ठीक है मैं बुलाता हूँ। माँ जी, अरे ये लोग अभी भी सो रहे हैं। माँ जी उठी। माँ जी, पलक, श्वेता, श्वेता, श्वेता जल्दी आओ। माँ, माँ, पलक, रुको, छुना मत, छुना मत, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुको। माँ, क्या हूँ? हेलो, पुलिस स्टेशन? जी। Thank you.
हमें आपने फोन किया था? जी सर, अंदर चल के देखिए, किसी ने मेरी सास और उनकी बेटी का मर्डर कर दिया है। आइए। हाँ। सर, सारे सबूत इकट्ठे कर लो और इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लो और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। ठीक। और आप लोग मेरे साथ चलिए। डेड बॉडीज को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने, जब मैं उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गया था तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और जब अंदर गया तो देखा कि... आपको किसी पर शक है? नहीं सर। इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन रहता है? सर हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। सब कुछ चेक कर लिया सर और फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट कर लिए हैं, जैसे रिपोर्ट आती है मैं लेके आ जाऊँगा। चाहे काम करो। जी सर। कमरा सील कर दो। ओके सर। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ सुबह सुबह? सब ठीक तो है? क्या करें साहब, जॉब भी ऐसी है, दिन हो रात हो गुनहगार को पकड़ने के लिए किसी भी वक्त जाना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं, आपको माँ और पलक के मर्डर के बारे में कुछ पता चला है? देख रहे हो बंसी साहब का भोलापन, लगता है नींद नहीं टूटी इनकी अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके बाद आपकी नींद टूटेगी नहीं, उड़ जाएगी। ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया? ये वीडियो मैंने पुलिस को भेजा था। फोन? अरे ये तो पलक का फोन है। बहन नहीं थी वो, तुम्हारी तुम्हारी बेटी थी वो, मेरी सौतेली बेटी जिसका रास
तुम सबने मुझसे छुपाया था, धोखा दिया था मुझे। उस दिन जब तुम मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की बात कर रही थी ना, सब सुन लिया था मैंने। तुम मेरी माँ हो ना, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। तुम मेरी माँ हो तो हिस्सा तो बनता ही है। तेरा दिमाग ठीक है भी या नहीं? मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है। पूरा बचपन तो मेरा खराब कर दिया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जवानी भी खराब हो, इसलिए मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। चल माँ के पास चल। हर चीज के लिए कानून बनाए। तुम पलक पर केस कर सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? उसे मारने की जरूरत थी क्योंकि उसके जीते जी ये औरत मुझे बाप बनने नहीं देती। अरे अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ये कि प्रेगनेंसी रोकने की दवाई खा रही थी। ओहो, तुम अब भी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हो? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, तो जाए यहां से। पर तुम अब क्यों पिल्स खाती हो? हमारे पास सब कुछ है ना, फिर बच्चा पैदा होने से क्यों डर रही हो तुम? ताकि हमारा बच्चा पैदा ही ना हो सके, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ और बेटी की जान लोगे। क्या जरूरत थी तुम्हें उनकी जान लेने की? हाँ, उसे भी मारना जरूरी था क्योंकि उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिया, उसने भी झूठ बोला था मुझसे। ये सच है, श्वेता तब कॉलेज में थी, उसे एक लड़के से प्यार हो गया, उसका नाम प्रशांत था, और शादी के 3 महीने बाद ही प्रशांत के एक्सीडेंट में मौत हो गई, और श्वेता के पेट में प्रशांत की निशानी थी, वो तू थी बेटा। तुम्हें क्या लगा था वो पलक मेरे बच्चे की जगह लेगी? वो कभी नहीं, इसीलिए मैंने तेरी माँ और तेरी बच्ची दोनों को मार दिया। तुम्हारे किए की सजा कानून देगा तुम्हें। बलदार लेके चलो। जी सर। लिए